हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं फिर से मेरे चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग गिटार का चैप्टर वन सीखने वाले हैं। मेरे इस चैनल में दोस्तों ऑक्टोपैड का भी और कीबोर्ड, म्यूजिकल कीबोर्ड जो है पियानो, उसका भी लेसन डलता है। अगर आपके दोस्त कोई चाहते हैं सीखना तो उन तक जरूर इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, इस चैनल को पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन लोग भी आए हमारे चैनल में, हमारे छोटी सी टीम में शामिल हो सके और कुछ नया सीख सके। तो आज जो गिटार का चैप्टर वन है, इसमें मैं आपको आज कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपको जानना जरूरी होगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको इसलिए यहाँ पर जरूरी है क्योंकि हम लोग को आगे के चैप्टर से जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें मैं कुछ कुछ चीजें आपको बोलूंगा, शायद कुछ नेम्स बोलूंगा, आपको समझना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आज आपको एक बेसिक सा बता रहा हूँ। अगर आपको आगे भी ट्यूटोरियल चाहिए तो जरूर चैनल के साथ आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को जानने की जरूरत है कि हमारा गिटार है वो कौन सा गिटार है, ठीक है। गिटार में इलेक्ट्रिक आता है, एकॉस्टिक आता है और सेमी इलेक्ट्रिक आता है। तो जो मेरे पास जो गिटार है वो सेमी इलेक्ट्रिक गिटार है। हमको गिटार का पहचान इस तरह से करना है, जैसे कि ये जो गिटार है आप देख सकते हो यहाँ पर, आपको तो स्क्रॉलर बटन दिख रहे होंगे जिसमें एक वॉल्यूम का है, ट्रेबल का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ पीछे में आपको ऐसा एक पिन मिल जाएगा जिसमें आपको ये सभी जैक है, जो ऑडियो जैक है वो इंजेक्ट कर सकते हो अंदर में। तो इस टाइप से आपको सेमी इलेक्ट्रिक गिटार है मिल जाएगा। तो मेरा सेमी इलेक्ट्रिक गिटार है। अगर आप चाहते हो कि एम्पलीफायर साथ जोड़ के बजाना तो आप जरूर जरूर सेमी इलेक्ट्रिक गिटार को चॉइस करिएगा। उसके बाद ये जो होल दिख रहा है आपको, इससे साउंड अंदर जाता है बाहर आता है। यहाँ पर एक ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है जो लगा हुआ है, ये पिकअप है जो हमारे साउंड को कैच करता है, और अंदर से एक वायर गया हुआ है जो आपका यहाँ वॉल्यूम और ट्रेबल के लिए और जो आउटपुट देगा उसके लिए ये काम आता है। तो ये लगना बहुत जरूरी है, ये लग जाता है तो आपकी गिटार का जो साउंड है वो बहुत ही अच्छे से आगे तक पहुंचता है। उसके बाद दोस्तों जो आ जाता है वो आता है गिटार के जो स्ट्रिंग्स हैं, सिक्स स्ट्रिंग्स हमको मिलते हैं। तो हम इसका जो स्ट्रिंग नंबर जो काउंट करते हैं वो हम नीचे से काउंट करते हैं। तो सभी स्ट्रिंग के दोस्तों एक एक नाम होते हैं, ठीक है। तो वो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो सबसे पहला जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो सबसे लास्ट में आता है उसका नाम है E1, और उसके ऊपर जो आ रहा है सेकेंड, ठीक है, उस सेकेंड वाले स्ट्रिंग का नाम है B2, और जो थर्ड वाला आएगा उसका नाम है G3, जो फोर्थ वाला आएगा उसका नाम है D4, और जो फिफ्थ वाला आएगा उसका नाम है A5, और जो सबसे ऊपर में जो आपको सबसे मोटा वाला दिख रहा है उसका नाम है A6। दोस्तों आपको ऐसा कीजिए, छोटा सा नोट्स बना लीजिए, पेज में आप ये सबके नाम लिख लीजिए और एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि ये हमको गिटार को ट्यूनिंग करते समय मदद करता है। तो गिटार को कैसा ट्यून करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो गिटार को ट्यून करने के लिए दोस्तों एक चाहिए जरूरत, वो है ट्यूनर का, ठीक है, वो थोड़ा आगे आपको बताऊंगा। और एक चीज बता देता हूँ, और एक है ये जो आपको लाइनिंग दिख रहे हैं और आपको यहाँ पर व्हाइट व्हाइट जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये काम आते हैं दोस्तों गिटार के साइज को मेजरमेंट करने के लिए। जो छोटा गिटार आता है छोटे साइज का, उसमें ये डॉट्स होते हैं वो कम होते हैं। जो बड़ा जो फुल साइज का गिटार आता है, मेरा फुल साइज का गिटार है, तो इसमें आप डॉट्स आप गिन सकते हो। और ये डॉट्स काम आते हैं दोस्तों फ्रेट्स काउंट करने के लिए। और फ्रेट्स क्या होता है, फ्रेट्स तो ये होता है जो आप ये देख रहे हो फर्स्ट फ्रेट, ऐसा करके ये थर्ड फ्रेट हो गया, ये हो गया आपका फिफ्थ फ्रेट। तो ये जो आपको खाली जगह जो दिख रहा है इसको हम लोग फ्रेट्स बोला करते हैं। तो अगर मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में आपको बताऊं कि हमको ये गाना इस फ्रेट से शुरू करना है, ये जो कॉर्ड्स है, ये जो गिटार टैब्स है, हमको इस फ्रेट में शुरू करना पड़ेगा, हम ई स्ट्रिंग से शुरू करेंगे, हम ए स्ट्रिंग से शुरू करेंगे, हम लोग डी स्ट्रिंग से शुरू करेंगे, तो ये सब चीजों के लिए हमको आगे जानने की जरूरत है। तो उसके बाद हम जो जानेंगे वो हम लोग गिटार को ट्यून करेंगे, ठीक है। तो गिटार ट्यून करने के लिए हमको जरूरत है इस ट्यूनर की, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो इस टाइप का ट्यूनर होता है। इस ट्यूनर में हम लोग को बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, हम लोग को पांच इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग को इसमें ट्यून करने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है। तो इसके नीचे लगा हुआ है सिंपल सा बैटरी, छोटा सा, वो आप बदल सकते हो, वो आपके ऊपर रहता है आप इसको कितना यूज करते हो। तो ये बहुत जरूरी है, और इसकी कॉस्ट कम से कम 400 500 से लेकर आपको 1000 1500 तक भी ये ट्यूनर आपको मिल सकता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है दोस्तों तो एक मैं गिटार का ऐप बताने वाला हूँ, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो 2 दिन बाद आने वाला है। उस वीडियो में मैं आपको गिटार ट्यूनर मोबाइल ऐप के बारे में बताऊंगा। कई सारे आपको मिल जाएंगे वहां पर गिटार ट्यूनर, लेकिन मैं एक ऐसा ऐप बताऊंगा जो सबसे हटके है, सबसे यूनिक है, और उस ऐप से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आप गिटार भी ट्यून कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार ट्यूनर से आपको इसको गिटार को ट्यून करके सिखाता हूँ। दोस्तों अगर आपको बोर लग रहा होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल बात है ये सब, तो इसलिए गिटार के चैप्टर में पहला चैप्टर में ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोग होते हैं जो बेसिक से सीखना चाहते हैं, शुरुआत से सीखना चाहते हैं, और कई सारे लोग होते हैं जिनको ये सब चीज पहले से पता होता है।
तो मैं वीडियो बनाता हूँ ऐसे लोग के लिए जिनको कुछ नहीं पता होता है, जो शुरुआत से सीखना चाहते हैं, इसलिए मैं हर एक चीजों के बारे में आपको बताता हूँ। और चैप्टर वन हमेशा इंट्रोडक्शन होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। तो चलिए इसको हम एक बार हम लोग इससे इस गिटार को हम ट्यून करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है सबसे लास्ट वाला, ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग का, ये सेकेंड स्ट्रिंग का, ये थर्ड स्ट्रिंग का, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है, ये सिक्स्थ का है। तो दोस्तों E6 हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पूरा गिटार का साउंड सुना देता हूँ कि कैसा आता है बिना ट्यून किए। तो आप सुन सकते हो बहुत ही बेकार साउंड आ रहा है क्योंकि गिटार अभी ट्यून नहीं हुआ। तो इसको हम लोग ट्यून करेंगे। सबसे पहले मैं इसका जो है E6, ठीक है, मैं यहाँ पर इसका प्रेस करने वाला हूँ इसके स्ट्रिंग को। ये बहुत ढीला है, मैं इसको टाइट करूंगा। तो आप देख सकते हो E6 दिखा दिया, लेकिन हमको चाहिए कि वो ग्रीन होना चाहिए, पूरा का पूरा ग्रीन, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्रीन होते तक हम इसको ट्यून करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये ग्रीन हो चुका है। अब हम लोग इसका सेकंड जो है A5, इसको हम लोग अब करते हैं प्रेस और इसको हम लोग करेंगे ट्यून। तो A5 भी हमारा हो गया, उसी तरह हम लोग सभी को ट्यून कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। तो हम लोगों ने जल्दी से, यहाँ तक आपका टाइम ज्यादा हो जाए करके, इस दो को मैंने पहले ट्यून कर लिया, अब मैं लास्ट के दो को ट्यून कर रहा हूँ। तो ये जो भी ट्यून कर रहा हूँ वो B2 है। B2 भी ट्यून हो चुका है। अब E1 को हम लोग ट्यून करेंगे। E1 भी हमारा ट्यून हो गया। तो चलिए दोस्तों एक बार हम लोग इसको प्ले करते हैं। आपने पहले साउंड सुन लिया बिना ट्यून का कैसा आता है, और ट्यूनिंग के बाद कैसा इसका साउंड आएगा वो हम सुनेंगे। तो आप लोगों ने सुना दोस्तों कि ट्यूनिंग के बाद इसका साउंड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो दोस्तों चैप्टर वन था, मैंने एकदम बेसिक सा ट्यूटोरियल आपको कवर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा, कि आप आगे के चैप्टर से मैं आपको बहुत ही अच्छे से सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये चैप्टर वन है, आपको छोटा सा बस बेसिक बताना था, इसलिए मैं ऐसा छोटा सा एक वीडियो बना लिया, ठीक है। तो चैप्टर टू से हम लोग इसका पूरा असली जो गिटार चैप्टर है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो में। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।